जी हाँ दोस्तों, लहसुन खाने से आखिर कौन से ऐसे फ़ायदे होते हैं जो हमें मिलते हैं। आयुर्वेद में लहसुन को एक ऐसा वरदान बताया गया है पौरुष के लिए, यानी पुरुषों की पौरुष शक्ति यानी संतान पैदा करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, जो कि काफ़ी लाभदायक होता है। इसके साथ ही लहसुन खाने से और भी क्या फ़ायदे होते हैं आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें लाते रहते हैं। आपको बताएं दोस्तों, ये बताया गया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि कच्चा लहसुन खाने से आंत में पल रहे जीवाणु का खात्मा हो जाता है, यानी कि जो आपके पेट में और आंतों में जो कीटाणु हो जाते हैं, जो आपके पेट की समस्या उत्पन्न कर देते हैं, उनका खात्मा हो जाता है। इसके साथ ही लहसुन की कली को कुचलकर पानी के साथ पीने से संक्रमण यानी वायरस जैसी बीमारियां दूर हो सकती हैं। लेकिन जब आप ये उपाय जरूर घर पे अपनाएंगे, यानी कि कच्चा लहसुन खाने से आंत में पल रहे जीवाणु का खात्मा हो जाता है, लहसुन की कली को कुचलकर पानी के साथ पीने से संक्रमण दूर होते हैं, यानी कई प्रकार के वायरस और रोग दूर होते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर की शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, जो कि आपके रोमांस करने की शक्ति होती है उसको भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है। तो इसलिए पुरुष के लिए काफ़ी वरदान बताया गया है लहसुन, जहाँ खाने के साथ आप खाएं या इसको कच्चा ही खाएं, लेकिन जरूर कोशिश करें कि आप खाएं अगर आपके अंदर रोमांस करने की शक्ति कमज़ोर पड़ती जा रही है। ये नुस्खा जरूर आप घर पर आजमाइएगा तो आप भी ये देखें किस प्रकार से यह आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और अन्य वीडियोस की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe and press the bell icon for latest updates.